नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 115वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। नंबर एक, अयोध्या में सरयू नदी पर जल्द ही शुरू की जाएगी रामायण क्रूज सेवा। अयोध्या में सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40 पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। क्रूज के अंदरूनी भाग और बोर्डिंग पॉइंट रामचरितमानस की थीम पर आधारित होंगे। अयोध्या शहर भगवान राम की जन्मभूमि है, जैसा महान भारतीय महाकाव्य रामायण में वर्णित है। यह हिंदुओं के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यूपी पर्यटन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 2 करोड़ पर्यटक अयोध्या आए थे। राम मंदिर के निर्माण के बाद अनुमान है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। रामायण क्रूज टूर न केवल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि यह क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। नंबर दो, FPI, FDI और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में तेजी। COVID-19 ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसकी वजह से सभी अर्थव्यवस्थाओं में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ गया है। भारत भी इस आर्थिक झटके से अछूता नहीं रहा है। हालांकि सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश में तेजी बनी हुई है, जबकि पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। इन कठिन परिस्थितियों में भी FPI, FDI और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में तेजी ने भारत की विकास गाथा को बरकरार रखा है। निवेश में तेजी का सीधा अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर निवेशकों का भरोसा बरकरार है। नंबर तीन, एशियाई विकास बैंक से भारत को मिला $132 मिलियन का ऋण। एशियाई विकास बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और भारत सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में घरों, उद्योगों और व्यवसायों को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने और उसका आधुनिकरण करने के लिए $132 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। मेघालय राज्य ने भले ही 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन राज्य के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को अत्यधिक भार वाले वितरण नेटवर्क और पुरानी तकनीक का उपयोग करने वाले सब स्टेशनों के कारण लगातार बिजली आपूर्ति में व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। इस परियोजना के तहत 23 सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को एक समृद्ध, समावेशी और टिकाऊ क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित इस संस्था पर स्वामित्व रखने वाले 68 सदस्यों में से 49 का संबंध एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र से है। नंबर चार, सीमा सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। BSF दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6,386 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। नंबर पाँच, GST कलेक्शन लगातार दूसरे महीने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। वित्त मंत्रालय ने सूचना दी है कि वस्तु और सेवा कर यानी कि GST की कर वसूली लगातार दूसरे महीने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक रही है। नवंबर में GST की वसूली 1,04,963 करोड़ रुपए हुई, जिसमें वार्षिक आधार पर 1.4% वृद्धि हुई है। देश में पिछले 3 महीनों से GST की वसूली में निरंतर बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारी और उससे लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या फिलीपीन। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि OIC का हेडक्वार्टर इनमें से किस शहर में स्थित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जद्दा। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 57 राज्यों की सदस्यता है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब में स्थित जेद्दा में है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।